ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मेरा नाम है ऋतिक कुमार। हाल ही में हमारे कॉलेज में एक्सपर्ट टॉक शो का आयोजन करवाया गया, जिसमें डॉक्टर गुरसिमरन कौर ने प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस और हेल्थ एंड हाइजीन के जैसे बड़े मुद्दों पर बच्चों को संबोधित किया। इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रीतम पाठक के पास। Can you please make a brief emphasis when it comes to the suppressor drugs? How can people rely solely on the suppressor drugs of this virus? Thank you. I didn't get the other thing. Can you please make a little emphasis on the suppressor drugs? Suppressor drugs? Yes. If people can rely on it, please. See, the I discussed with antiretroviral drugs, they are being distributed under the NATO program that is run by the Government of India. And the program is running a lot of dispensaries and health units in various of these primary centers. So you have drugs like nucleotide, nevirapine, and you can go to the details. And these drugs are to suppress and mutations of the the immunovirulating this virus into the cells so that it doesn't let the immune system go down to that level that a patient might have this thing. So these people have to be on these drugs, and obviously their CD level, CD4 level counts have to be taken care into. So when these patients come to us for infections, for the surgeries, we also have to see the CD4 count, and they have to be given the suppressive therapy lifelong for this. Thank you. गुड आफ्टरनून मैम एवरीवन। आज हमारे साथ डॉक्टर गुरसिमरन कौर मैम। तो मैम, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही है मैम कि जैसे कि आपने HIV के लेक्चर लिख दिया मैम यहाँ पर, तो मैम कैसे आम पब्लिक तक मैम HIV के बारे में मैम सिंपलेस्ट वे में पहुँचाया जा सकता है मैसेज, ताकि मैम ऐसे डिजीज आगे ना फैलें? HIV रोग को रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन हमें इससे लड़ना आना चाहिए। और लड़ने का सबसे बड़ा उपाय है इसको रोकथाम करना, प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंट कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये जानना है कि HIV फैलता कैसे है। HIV फैलता है ब्लड से, ब्लड प्रोडक्ट से, ब्लड फ्लूइड से। तो जो भी लोग अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको ये बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर आपको सेक्सुअल पार्टनर का HIV स्टेटस नहीं पता है, या आप अपनी मैरिज में लॉयल नहीं हैं, तो आपको HIV होने का खतरा रह सकता है। दूसरा ये है कि जो लोग IV ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नीडल्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, तब आपको HIV का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आपको कहीं ब्लड लगा है और वो ब्लड का आपको नहीं पता है कहाँ से लगा, कहाँ चढ़वाया, ब्लड डोनेशन कैंप्स में आपको बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो नीडल आपके अंदर इंसर्ट करी जा रही है वो यूज़ तो नहीं है। अगर आप लेबॉरेटरी वर्कर हैं तो नीडल्स का आपको ध्यान रखना है कि उसको कैसे सेफगार्ड, कैसे डिस्पोज किया जा रहा है, क्योंकि कई बार हेल्थ वर्कर्स को उस नीडल से भी प्रिक हो सकता है, और क्या पता उस पेशेंट को HIV था या होने वाला था, तो आपको उससे HIV ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा माँ से बच्चे को, माँ जो कि HIV पॉजिटिव है तो उसको बच्चे में जा सकता है। तो HIV की जाँच माओं में कराना बहुत ज़रूरी है, और हम ये टेस्ट फोर्टिस में हर 3 महीने में हर प्रेगनेंसी में कराते हैं। और अगर माँ को HIV पॉजिटिव आती है तो उसको उसके लिए ड्रग्स जो है नेको के तहत वो शुरू हो जाती हैं, और ऐसी माओं को ब्रेस्ट फीड करने से मना किया जाता है ताकि नवजात शिशु में वो प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिससे आप HIV
बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन HIV किसी के कपड़े या किसी के कप या किसी का यूज़ किया हुआ तौलिया इससे नहीं फैलता है, लेकिन टूथब्रश से फैल सकता है, क्योंकि टूथब्रश, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, एब्रेशंस, जहाँ पे भी ब्लड प्रोडक्ट या बॉडी फ्लूइड आएगा वहाँ पे HIV का फैलना हो सकता है। मैम, स्कूल लाइफ में हम सेक्स एजुकेशन पे इतना जोर नहीं दिया जाता, हम जिसकी वजह से मैम बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो हम किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन मैम स्कूल लाइफ में काफ़ी अच्छे से दिया जाए? मैम, सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये यंगस्टर्स है, ये उम्र है जिस टाइम पे उनको कई बार वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, तो कई बार वो अपने फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप से बात करते हैं, तो अगर वो अपनी टीचर्स को अपना फ्रेंड बना ले, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं ये एक तरह के हमारे गुरु हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं हमें एजुकेशन और साथ साथ हमें प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए, क्योंकि एक हेल्थ सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप अपने फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं या अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो अगर किसी की हेल्थ ही गड़बड़ आ गई अपने सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के कारण, तो वो इंसान तरक्की नहीं कर पाएगा, वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सेक्स एजुकेशन एक लेक्चर, जैसे कि आज गुलजार ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करवाया है अपने करिकुलम में, ऐसी लेक्चर्स जो है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को प्रमोट करना चाहिए, अपने आने वाली यंग जनरेशन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकता है, मेडिसिन का पर्सन हो सकता है, उसके द्वारा अगर ये लेक्चर हम इम्पार्ट करते हैं और उनको बताते हैं यंगस्टर्स को कि किस प्रॉब्लम से ये बीमारी बढ़ती है, तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये बीमारी की रोकथाम हो सकती है। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है मैम कि वुमन हेल्थ इशू पे मैंने आपने क्या डिस्कस किया मैम, वुमन हेल्थ इशू मैम जो प्रॉब्लम्स आती है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, वुमन हेल्थ इश्यूज़ में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो महामारी संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, महीना आना, और ये इतना टैबू टॉपिक है कि कोई भी लेडी डिस्कस नहीं करती इसको ओपनली, और ना वो अपने मदर से डिस्कस करती हैं, ना सिस्टर से, कई बार अपने फ्रेंड से डिस्कस करती हैं, तो उनको ये जानने ज़रूरी होती हैं टॉपिक्स की, जैसे महीना कितना आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, कई बार दर्द हो तो क्या करना है, अगर बच्चेदानी में कोई रसौली हो या अंडेदानी में कोई गांठ आई हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। तो एक क्लिनिकल स्पेशलिस्ट जो कि इस चीज़ में स्पेशलाइज करता है, उसी के द्वारा अगर ये ट्रीटमेंट करी जाए तो ऑब्वियसली वो बीमारी जो है कॉम्प्लिकेट होने से बच जाती है। कई बार ये लेडीज़ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स ले लेती हैं, या कई बार वो किसी को बताती नहीं है, तो बीमारी अंदर बढ़ सकती है। तो वुमन हेल्थ इश्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, एजुकेट करना इन लेडीज़ को कि ये बीमारी कैसे होती है और इनके क्या सिम्टम्स हैं और इनकी रोकथाम के लिए कैसे आगे हमें इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। GTI से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।